पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों, रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस की उच्च स्तरीय समन्वय बैठक बुधवार को महाप्रबंधक सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान ट्रेनों एवं रेल परिसर में डकैती, लूट, जहरखुरानी, रेल यात्रियों के सामान की चोरी, अनाधिकृत वेंडिंग, आउटसोर्सिंग से आए कोच अटेंडेंटों की गतिविधियों पर नजर, बलात्कार के मामले, महिलाओं के प्रति अन्य अपराध, रेल रोको धरना बंद के मामले, रेल ट्रैक से छेड़छाड़, तोड़फोड़, पथराव, कार्यरत रेल कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, खतरे की जंजीर के दुरुपयोग, ट्रेन के माध्यम से तस्करी आदि विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा इन समस्याओं से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भावी कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आलोक सिंह, प्रमुख मुख्य इंजीनियर SK पांडे, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक अनिल कुमार सिंह, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी शैलेंद्र कुमार, मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल डॉक्टर SK सैनी सहित अनेक विभागाध्यक्ष, उप महानिरीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश श्री VP श्रीवास्तव, उप महानिरीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस बिहार US प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस उत्तराखंड श्री मनोज कटियाल, सोनपुर एवं गोरखपुर के राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी सहित पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मंडलों के मंडल सुरक्षा आयुक्त एवं मुख्यालय के सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे।